बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से पहले भी दिवाली के खास मौके पर कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। हालांकि मेकर्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए ऐसी डेट्स की तलाश में रहते हैं जिसमें उन्हें लंबा वीकेंड मिल सके। सूर्यवंशी के पहले दिन के आंकड़े आ चुके हैं और ये फिल्म पांचवीं सबसे बड़ी दिवाली ओपनर बनी है। लेकिन अक्षय इस मामले में कई बड़ी फिल्मों को मात देने में कामयाब नहीं हो पाए। चलिए बताते हैं आपको इस लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, जिसने पहले दिन 50.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म इस लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार है। शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर पहले दिन 44.97 करोड़ का कलेक्शन करने के साथ साथ अभी भी दूसरे पायदान पर बनी हुई है। सलमान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का भी रिकॉर्ड अक्षय की सूर्यवंशी नहीं तोड़ पाई। इस फिल्म ने पहले दिन 40.35 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अजय देवगन की गोलमाल अगेन ने भी पहले दिन 30.14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अजय देवगन और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी ने रिलीज के दिन 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल के बीच सूर्यवंशी रिलीज हुई और इसने शानदार कमाई की, लेकिन सलमान, अजय, शाहरुख और आमिर को वो मात नहीं दे पाए। भले ही अक्षय इस मामले में खान से मात खा गए हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से सूर्यवंशी ने शुरुआत की वो काफी है इस फिल्म को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के लिए। बताते चले, पहले ये फिल्म साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सका। बाद में इस फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई, लेकिन फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद खबरें आई कि ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी, लेकिन फिर दिवाली पर इस फिल्म को रिलीज करने का फाइनल डिसीजन लिया गया और फिल्म से जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी वो बिल्कुल खरी उतरी है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि सूर्यवंशी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।